नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी हो चुकी है और लगातार जो है वो जेडीओ और आरजेडी इसका क्रेडिट ले रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी का भी इस रिपोर्ट का समर्थन तो कर रही है, लेकिन कई तरह के सवाल इस पे है। सियासत काफी चल रही है। अभी ताजा अपडेट यह है कि उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई हुई है। अब उस बैठक में क्या कुछ होगा वो उस बैठक के बाद पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ कई पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। जेडीयू से डॉक्टर भारती मेहता है, बीजेपी से पवन जायसवाल जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। अरुण जी, सबसे पहले ये जो रिपोर्ट आई, इसमें जिस तरह की सियासत चल रही है, आप पूरे रिपोर्ट को एक फौरी तौर पर देखें तो कैसे देखते हैं? ये अभी जो आपने कहा, बिहार सरकार ने तो एक पहल की कि अपने खजाने से 500 करोड़ रुपए खर्च करके आजादी के बाद कोई पहली बार किसी राज्य सरकार ने एक बिहार में किस जाति की कितनी आबादी है एक रिपोर्ट लेकर आई। अभी इसमें और कई तथ्य आने हैं। जैसा राज्य सरकार ने कहा था, जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस रिपोर्ट के संदर्भ में जो ध्येय बताया था कि हम ये रिपोर्ट का कोई राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि जो समाज में ऐसी जातियां जो शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए हम विशेष योजना बनाएंगे, ये करके आए। लेकिन मैं मानता हूं कि कहने भर की बात थी, ये पूरी तरह राजनीतिक उद्देश्य से ही आया था। और जो उसका ये रिपोर्ट कल प्रकाशित होने के बाद जो बात आपने कही दीपक जी कि सियासत गर्म हो गई है, इसका ये फलत है। और अब तो सभी पार्टियां इसका श्रेय लेने की होड़ में लग गई है। राजद और जदयू की सरकार ने तो उसके कालखंड में अभी पिछले साल जनवरी से आप जानते हैं कि ये जातीय गणना का काम शुरू हुआ और आज रिपोर्ट आई है। उसमें भाजपा भी इसके सपोर्ट में थी, सरकार थी। रिपोर्ट आते ही सुशील मोदी का बयान आया, ये तो जो रिपोर्ट बनी तैयार हुई, जातीय गणना हुई, इसमें हमारा भी योगदान है, हम लोग इसका सपोर्ट किए थे। खैर, ये बात अब अलग है। इसलिए मैंने कहा कि सियासत इसलिए गर्म हो गई है कि हर लोग अब इस रिपोर्ट जो तैयार हुई है इसमें सहभागी बनना चाहता है कि हमारा श्रेय है। अब इसमें टीका टिप्पणी शुरू हो गई है, उसमें कई इंटरेस्टिंग बातें हुई। सबसे बड़ी बात हुई है कि ये बात आई कि जिसकी जितनी आबादी उतना हक मिले। अब ये जैसे ही रिपोर्ट आई तो सबों का, सभी दल का एक कॉल आया, बिहार से ये बात शुरू हुई। जीतन राम मांझी ने पहले बयान दिया और इस तरह से फिर सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि भाई जितनी जिसकी आबादी उतना हक मिलना चाहिए। तो अभी हक मिलने की बात आज तो इंटरेस्टिंग है कि आज प्रधानमंत्री ने भी छत्तीसगढ़ में एक सभा कर रहे थे और उन्होंने जनता से सवाल किया और कहा कि भाई आप बताइए कि लोग कहते हैं कि बिहार के इसी जातीय सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने टिप्पणी की और जनता से सीधे वो रैली में मुखातिब थे और कहा कि जो बात आज कांग्रेस कह रही है कि जिसकी जितनी आबादी उतना हक मिलना चाहिए, तो जनता से उन्होंने सवाल किया कि किसकी आबादी ज्यादा है। अब इशारा समझिए, अब यहाँ लोग जाति का कार्ड खेल रहे थे। प्रधानमंत्री ने जो बात कही कि पूछा जनता से कि किसकी आबादी ज्यादा है, स्वाभाविक रूप से उनका इशारा था कि देश में हिंदुओं की आबादी अधिक है, 80% आबादी है। तो उन्हें कहा कि यही तो काम कर रहे थे। फिर उन्हें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में जब वो बयान दिया था उन्होंने कभी कि अल्पसंख्यकों का देश के संसाधन पर पहला हक है, तो उस पर भी तंग कसा कि ये हक किसने देने से रोका। और क्या अब आज कह रही है कांग्रेस कि अब वो हक नहीं मिलना चाहिए, कहे कि जिसकी जितनी आबादी है तो फिर आबादी तो सबसे अधिक जिसकी है। फिर इशारा उन्होंने किया, वो हिंदू की बात नहीं की, लेकिन इशारा उनका जो था वो स्पष्ट था। फिर आगे भी मैं ये इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि बिहार की जाति की रिपोर्ट आने के बाद न सिर्फ बिहार की, पूरे देश की सियासत और सियासी राजनीति गर्मा गई है। एक तो संपूर्ण देश में संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद ही जहां ओबीसी महिला के आरक्षण की बात हुई और पूरे देश में जातीय सर्वे और गणना कराने की बात हुई, ये राजनीति तो अभी शुरू हो गई है। और बिहार में जब ये रिपोर्ट लेकर आई है तो आज ही मुख्यमंत्री जो विधानसभा और विधान परिषद में दल का प्रतिनिधित्व है, वैसे 9 पार्टी के नेताओं की आज साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में क्या होगा, इस जो रिपोर्ट अभी तक आई है उससे क्या बातें निकली, हर जनता के दिल में और ये सवाल उठ रहा है। तो दीपक जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जो रिपोर्ट आई है उसमें ये रिपोर्ट कहती है कि 20% लगभग 19.65%
बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी और लगभग 2% अनुसूचित जनजाति की आबादी। आप जानते हैं कि संविधान प्रदत्त अधिकार है, संविधान सभा की पहली बैठक में तय हुआ था कि पूरे देश में संसद और लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलेगा और सीटें आरक्षित हुई और सरकारी नौकरियों में भी उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिल रहा है। और बिहार में अभी बिहार सरकार की नौकरी में 17% अनुसूचित जाति के लिए और 1% अनुसूचित जनजाति के, पहले तो ज्यादा था लेकिन जब राज बटा जब झारखंड में चला गया आदिवासी आबादी तो वो आरक्षण में जो आदिवासियों के खाते में था उसको फिर इन तीनों में बांट दिया गया। अब ये जो रिपोर्ट आ गई है इसका पहला इम्पैक्ट और अब राज्य सरकार इससे बंध गई है, इसलिए कि हालांकि ये जो रिपोर्ट सरकार ने तैयार करवाई है इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है, मतलब वैधानिक मान्यता नहीं है, कोई नियम नियावली या कानून, पवन जी विधानसभा के सदस्य हैं शायद इनको याद होगा, प्रस्ताव इन्होंने पारित किया था कि भाई ये जातीय जनगणना होनी चाहिए और प्रस्ताव पारित करके दिल्ली भेजे थे, यहां भी सबकी सहमति रही, लेकिन इनको याद होगा कि इसके लिए कोई बिल कानून इन्होंने नहीं बनाया विधानसभा से, मतलब राज्य सरकार के कार्यपाल का आदेश से एक्सिक्यूटिव ऑर्डर से ये सारी कार्रवाई हुई है। तो जो भी रिपोर्ट तैयार की है, नहीं इसमें एक शब्द और मैं कह देना चाहता हूँ कि इसमें जो कुछ है ये अब राज्य सरकार के अपने कंजम्पशन के लिए, तो आज तो अब जाति की रिपोर्ट आ गई है, सियासत राजनीति शुरू हो गई है, तो पहली बात है कि इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार को, राज्य सरकार को अनुसूचित जाति और जनजाति की का जो आरक्षण है उसको तो इन्हीं के अधिकार में उनको करना पड़ेगा और करना चाहिए। अब आगे फिर आज जो दल के नेताओं की बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री ने परामर्श लेने की बैठक बुलाई है और आगे देखिए इसकी क्या फिर आगे क्या इसका कुछ तस्वीर बनता है, आगे की चर्चा में जो बात होगी फिर मैं करता हूं। जी पवन जी, आप लोग अब कह रहे हैं रिपोर्ट जारी हुआ है तो आप कह रहे हैं कि ये हम लोग भी साथ थे, इसमें हमारा भी साथ था, लेकिन इतनी टीका टिप्पणी क्यों हो रही, क्यों इतने सवाल खड़े किए जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि 2-3 दिन पहले तक आप बीजेपी की तरफ से और एनडीए की तरफ से एक बयानबाजी हो रही थी कि जेडीयू टूट रहा है और जेडीयू में कई तरह का घमासान मच रहा है, अब नीतीश जी ने एक मास्टर स्ट्रोक दे दिया है तो अब आप फंस गए इसमें। देखिए यार, ये कहीं से कहना उचित नहीं है कि नीतीश जी का ये मास्टर स्ट्रोक है। अभी अरुण भाई साहब ने कहा कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू की सरकार थी उस समय का ये निर्णय लिया हुआ है, इसका इम्प्लीमेंट राजद और जदयू की सरकार में शुरू हुआ है। हम अगर निर्णय ही नहीं लिए होते तो शुरू नहीं होता, इसलिए किसी को जस लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जदयू से बड़ी पार्टी थी और हम तैयार थे, इसलिए जनगणना का निर्णय हुआ, जातीय जनगणना का। इसलिए बेवजह जो जदयू और राजद के लोग ढोल पीट रहे हैं, पीटने की जरूरत नहीं है जनगणना के पक्ष में। इनिशिएट तो कहीं ना कहीं जेडीयू की तरफ से, फिर आरजेडी की तरफ से हुआ, आप लोगों ने उसमें साथ दिया। आज तक तो राज्य को ये मिसलीड ही किए हैं, ये लीड कब किए हैं? जितना बहुमत मिला था बिना बहुमत के सरकार चला रहे हैं तो मिसलीड ही कर रहे हैं, जब बहुमत मिला काम करने का अच्छा निर्णय हम लोग कर रहे थे तो छोड़ के अलग चले गए, तो अभी जिनके साथ हैं तो मिसलीड ही करेंगे ना, जिसके साथ जैसी संगति होगी वैसा होगा। अभी विषय जनगणना का है, जातीय जनगणना का, इस पर हम कहेंगे कि बिहार की सरकार ने अपने जुड़े हुए जो जाति वर्ग के लोग थे जिन पर इनको विश्वास था कि इनका वोट हमें मिलेगा, भविष्य में मिल सकता है या मिल रहा है, ऐसे लोगों की संख्या को इन्होंने बढ़ा के प्रस्तुत किया है। जिन जातियों पर इनको शंका है कि ये हमारे साथ नहीं रहेंगे, अलग हो सकते हैं या कभी नहीं रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या को इन्होंने घटाने का काम किया है। उदाहरण के रूप में ले लीजिए कि बैस समाज की आबादी 2011 में 22% थी राज्य में, आज के समय में ये घट के 12% हो गया, जबकि मेरे पास जो जनसंख्या मेरा था, आबादी था, वो बढ़ना चाहिए था, ये 27% होता, 30% होता आज के समय में, ये 12.6% हो गया। एक तो अलग अलग कोड में बांट दिया गया, कितना भी कोड आप कर दीजिएगा किसी भी समाज को, जब सबको जोड़ा जाएगा तो संख्या उसका पूर्णना चाहिए, 22% से कम होने का सवाल क्या है? राज्य में चुनाव जाति की आबादी को कितना कम दिखाया गया है, अन्य जाति वर्ग के लोग भी इस पर आपत्ति जता रहे हैं। हम लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं कि भाई आंदोलन की जरूरत है, सैकड़ों लोगों ने लिखा है कि हम तक तो मेरा गणना हुआ नहीं, मेरे घर पे कोई आया नहीं, तो जनगणना का रिपोर्ट कहां से आ गया? इसलिए निश्चित रूप से राज्य सरकार ने राज्य की जनता में भ्रम फैलाने के लिए और अपना दबदबा कायम कर
ये कि हमसे जुड़े होगा हमारे समीकरण का जो जाति है इसका वोट इतना परसेंट हो गया, अब कोई आया नहीं आया हम सरकार बना लेंगे, ऐसा माहौल जो है अप्रत्यक्ष रूप से पैदा करना चाह रहे हैं और ये बिल्कुल घातक है राज्य के लिए। राज्य सरकार को शीघ्र इसकी बैठक बुलानी चाहिए, बैठक बुलाया है 9 पार्टी का, सभी लोग जाके अपनी बात कहेंगे, हमारे पार्टी से भी लोग वहां गए हैं, अपनी बातों को रखेंगे। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी का हम एक इंटरव्यू देख रहे थे, विजय सिन्हा जी का देखे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और मजबूत विपक्ष हम है, हम अपनी बात को रखने में सक्षम है। अगर सरकार संशोधन नहीं करेगी तो न्यायालय भी जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। अखिल भारतीय सम्मेलन के हम अध्यक्ष हैं और न्यायालय जाएंगे शरण लेंगे। जी भारती जी, अभी पवन जी कह रहे थे कि आप सारा क्रेडिट इनिशिएट उनका लिया हुआ था, क्रेडिट आप लोग ले रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस तरह के अभी आंकड़े आने के बाद एक उत्साह तो है जेडीयू में भी और आरजेडी में भी, आपके पूरे गठबंधन पे भी, आप लोग को जिस तरह का उत्साह है, क्या आप लोग को लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो है आप जो चुनाव बने उन चुनाव में एक आपको एक जीत का एक मार्ग मिला, क्या ये उत्साह है आप लोग के बीच? दीपक जी देखा जाए आदरणीय विधायक जी बोल रहे थे पवन जायसवाल जी बीजेपी की तरफ से, मैं एक चीज कहना चाहूंगी चूंकि फिर गणना पे जाऊंगी, तो वो उन्होंने कहा कि वैसे समाज 2011 में उसकी आबादी इतनी थी और अभी वो कम दिखा। मुझे लगता है कि वैश्य समाज के एक बहुत बड़े पार्ट को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण आदि के आधार पे वो उन्होंने उसको अति पिछड़े में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो और अति पिछड़ा की 127 जातियों में प्रमुख 4-5 जातियों में उनमें से एक जात दिखा है कल, ठीक है। अब इसके बाद जो कह रहे हैं आदरणीय पवन भाई कि और आपका कहना है कि जदयू और राजद में उत्साह का माहौल, तो देखा जाए ये निश्चित तौर पर संपूर्ण भारत के लिए बापू के 154वीं जयंती के अवसर पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक मिसाल पेश की है। और हम ऐसा नहीं कहते कि ये हमारा अकेले का संकल्प था, ये सर्वदलीय संकल्प था। और मुझे लगता है कि जब सदन में यह आया था प्रस्ताव तो शायद आदरणीय पवन जायसवाल जी भी वहां थे और 18-2 और सर्वदलीय संकल्प के रूप में ये पास हुआ, इसलिए ये कह। मगर मुझे लगता है कि बीजेपी बार बार कंफ्यूज करती है कि हम इसे सही कहें या गलत कहें। जैसे अभी पवन जायसवाल जी ने कहा कि हम कहा इसके खिलाफ है, मगर कल तो अश्विनी चौबे जी बयान दे रहे थे इसके खिलाफ कि ये अनावश्यक काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव। तो खैर ये बीजेपी भरे की बात है, आप भारती जी कह सकते हैं किसी से भी कर लिया गया। भारती जी अरुण जी, मैं एक बार फिर से सवाल आपको दोहरा देता हूं कि जिस तरह से जो क्रेडिट लेने की एक होड़ सी मची है, एक कहीं ना कहीं बीजेपी की जब जातीय जनगणना की बात उठी थी, आपने पूरे घटनाक्रम को देखा है, एक कहीं ना कहीं एक डाउट सा था जब सेंट्रल में गए तो वहां पे ना हुआ, लेकिन यहां पर भी बिहार में साथ में थे, संजय जायसवाल भी उस समय थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी कई पॉइंट आउट किए थे इस चीज को लेकर और उन्होंने कहा था कि उस समय बिहार में जो है बिहार बीजेपी के लिए दो ही जातियां हैं, एक अगर एक अमीर और एक गरीब। देखिए दीपक जी, ये सच कहना होगा तो जातीय जनगणना सवाल पर भाजपा प्रारंभ से ही द्वंद में रही, वो तब नीतीश जी के साथ थी, नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, नीतीश जी चाहते थे जातीय गणना कराना और सत्ता में सहभागी थे। हालांकि जो कुछ नाकुर नुकुर था जिसको कहिए, मैंने आपसे कहा कि भाजपा हमेशा द्वंद में रही और एक अवसर आया जब सभी दल के नेताओं का शिष्टमंडल प्रधानमंत्री से मिलने गया, तो आपकी याद करेंगे कि उस समय यहां से भाजपा के शिष्टमंडल में जो नेता शामिल थे वो कुछ और कह रहे थे, भले ही इस जातीय जनगणना की मांग को लेकर गए। तो मैं मानता हूं कि आज जो नीतीश कुमार या राजद इसका श्रेय ले रहे हैं तो स्वाभाविक श्रेय लेने का तो उनको हक है, इसलिए कि आजादी के बाद कोई एक सरकार ने और तेजस्वी यादव जब विपक्ष के नेता थे सड़क पर उतर कर इसका विरोध किया और यही एक प्रमुख इशू था। और कुछ तो अलग बातें हैं लेकिन लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच जो एक केमिस्ट्री बनी भाजपा के खिलाफ, उसमें जातीय जनगणना भी एक प्रमुख इशू था जिसमें दोनों की एक रजामंदी हुई और बात आगे बढ़ी। और पिछले साल के 9 अगस्त को जो एक घटनाक्रम हुआ भाजपा से, भले वो पृष्ठभूमि विधानसभा के पिछले चुनाव की रही थी कि उसमें
नीतीश जी की नजर में भाजपा ने दगा दिया और चिराग पासवान को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से साथी सहयोग करके और उनकी पार्टी का जो रिजल्ट आया। लेकिन जातीय गणना का जहां तक सवाल है उसमें तो भाजपा द्वंद में रही है, इसके कहने में झिझक नहीं होनी चाहिए। अब रही बात की अब ये रिपोर्ट आ गई है, इसका इम्पैक्ट क्या है, क्या होगा इसका? देखिए, इस जातीय गणना में दो बातें बड़ी साफ, इसको इस रूप में देखना होगा। हालांकि कोई बहुत अप्रत्याशित तरीके से कोई संख्या और आंकड़ा नहीं आया है। सब लोग मानते थे कि बिहार में अति पिछड़ों की आबादी 33-34% है, अब ये रिपोर्ट बाई की 36%। 112 जातियों की आबादी 36% है और 29 जाति जो पिछड़े वर्ग में आते हैं, जिसमें यादव, कोयरी, कुर्मी, इस तरह की जो बड़ी जातियां हैं जो वो लोग आते हैं। तो अब सवाल है कि 36% वाले लोग इस रिपोर्ट के बाद हक हिस्सेदारी और भागीदारी की मांग शुरू हो गई है। तो 36% वाले लोग को तो अभी तो दो ही लोग, चाहे लालू जी और नीतीश जी का जो कालखंड है पिछले 30 साल का, 15 साल लालू जी और राबड़ी देवी का, और इधर 18 साल जो इनका हुआ है, ये तो इन्हीं दो लोगों का कालखंड है शासन का। और अब इन्हीं को हक देनी है, जो आप रिपोर्ट आई है तो लाजमी है कि अब इनका नैतिक दायित्व हो गया है कि हक हिस्सेदारी और भागीदारी इन्हीं को देनी। तो ये चुनौती अब इनके सामने आ गई है। अब भाजपा का जहां तक सवाल है, भाजपा को तो जैसे मैंने बताया कि उसका एक तो वोट है कि भाई हिंदू वोट, वो जात की बजाय वो उसका जो कभी मंडल कमंडल की बात होती थी, तो अब तो आज के तारीख में भाजपा का संपूर्ण नेतृत्व केंद्र से लेकर राज्य तक पिछड़ों के हाथ में है। वहां यदि नरेंद्र मोदी अमित कहता है, यहाँ सम्राट चौधरी है। अब तो इसलिए अब कोई जो आवाज राजनीति है हित साधने के लिए या जो आवाजें उठेगी, तो नीट करने वाला भी कोई पिछड़ा बनाम पिछड़ा, पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा, अब अगले पिछड़े की लड़ाई तो है। अब सामान्य वर्ग का यहाँ जो अभी आया कि उनकी जनसंख्या 15.15%, तो कोई डिसिसिव नेतृत्व वर्ग में तो है नहीं। रही बात की इसका फायदा सिर्फ ये अभी आपको नोशन लगता है कि ये यदि जातीय गणना की रिपोर्ट नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुआ है तो ये फिर तो उन्हें मिलेगा ही कि जातीय गणना कराने कोई किसी मुख्यमंत्री के काल में हुआ था। तो आज की तारीख में इस हिसाब से तो इतिहास पुरुष नीतीश कुमार जरूर बन गए हैं। लेकिन उन्होंने बड़ी चुनौती भी ले ली है। अब ये उन्हीं को जिन आबादी में जिसको जो आकांक्षा है, जो विकास की किरण वहां तक पहुंचानी है, कौन पूरा करेगा? आज सत्ता में है अभी तो इन्हीं को उसके। अब फिर एक सवाल उठने लगा है कि भाई 30 साल तो ये बड़े भाई और छोटे भाई सत्ता में थे, किसने इन्हें रोका था? जो आज वंचित पिछड़े शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जो जमात है, लोग हैं, उनको हक हिस्सेदारी देने से, तो ये जवाब भी इन्हीं को देना होगा। और अब ज्यादा नैतिक दायित्व तो हो गया है कि इस रिपोर्ट के बाद वो स्वयं तत्काल और सक्रिय पहल करें कि उनके लिए विशेष योजना बनाएं। जैसे आपको याद होगा, हालांकि वो राजनीतिक रंग ही था जब दलित को महादलित और दलित का एक आप महादलित योजना चलाए थे। अब तो जो अति पिछड़े लोग जो हैं अभी उस जाति के एक रिएक्शन पवन जी से ले लेते हैं कि पवन जी, अभी जिस तरह से अरुण जी ने अभी कहा कि एक कहीं ना कहीं शुरू से द्वंद्व था। देखिए, संजय जायसवाल ने भी उस समय, आपको भी याद होगा कि संजय जायसवाल ने भी कई तरह के पॉइंट आउट उसमें किए थे। तीन तक पॉइंट उसमें दिया था कि जातीय जनगणना में जो है उन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को शामिल ना किया जाए, अगड़े जो मुसलमान है ये ना कि वो पिछड़े में शामिल हो जाए, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे, ये संजय जायसवाल ने भी पॉइंट आउट किया था। अभी भी कहीं ना कहीं एक संशय की स्थिति है, एक पॉइंट आउट अभी भी किया जा रहा है कि अभी आंकड़े हैं वो सही नहीं है, सरकार जो है अब आर्थिक आंकड़े पेश करे। इतना द्वंद क्यों रहा आप लोग के बीच? देखिए, सबसे पहले तो भारती मेहता जी ने जो कहा कि नीतीश जी की सरकार ने कुछ बैस समाज के लोगों को अति पिछड़ा में दे दिया इसलिए घट गया है, वो उनका जो कहना है वो गलत है। कानू समाज, तेली समाज, चौरसिया समाज, जिनको भी मिला अति पिछड़ा में चले गए बैस समाज से, उन सबको जोड़ने के बाद में 12.6 हो रहा है। ये आश्चर्यजनक चीज है कि 22 से घट के 12.6 कैसे हो गया? अति पिछड़ा में जाने के बाद भी उन संख्या को हम लोग जोड़ रहे हैं, तब हम केवल 12.6 जा रहे हैं। दूसरी चीज है कि अरुण भाई साहब ने जो कहा, नीतीश जी की सरकार जो भी निर्णय कर रही है, कोई निर्णय का इंप्लीमेंट इनके द्वारा सही ढंग से नहीं हो पाएगा। दल टूटने के कगार पर है, गठबंधन कब टूट जाए कोई गारंटी नहीं है। आप ही लोग के समाचार पत्रों में देखते रहते हैं कि भाई भाजपा में जा रहे हैं तो यहां जा रहे हैं,
कुछ नहीं है, ये केवल जनगणना, जातीय जनगणना का रिपोर्ट प्रकाशित कर देने से कोई नीतीश जी का जो है बहुत मजबूती नहीं मिल गया है। नहीं, मेरा सवाल यह था पवन जी कि आप लोग बीजेपी कहीं ना कहीं एक द्वंद्व की स्थिति जो चल रही है, बात एक शुरू से थी और अभी भी है, कहीं ना कहीं एक असमंजस में है, रिपोर्ट के आने के बाद भी वो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा। असमंजस में किस बात के असमंजस में हम लोग हैं? देखिए, जिस तरह की अभी रिपोर्ट आई, जातीय जनगणना शुरू हो रही थी उस समय भी कहीं ना कहीं एक जिसे कहें कि एक दुविधा की स्थिति थी, अभी भी आई तो इस रिपोर्ट को आप ऑथेंटिक नहीं मान रहे हैं, अब आर्थिक रिपोर्ट की अब आप मांग कर रहे हैं। देखिए, इन चीजों से हाई कोर्ट का निर्णय हुआ रोकना है चालू करना, इनसे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। हम लोग इसको चालू कराने वाले लोग हैं, हम इसको धरातल पर उतारने वाले लोग हैं, ये प्रस्ताव लाने में हम लोग सहयोगी रहे हैं, इसलिए हम लोग बाधक नहीं है। लेकिन अगर कोई रिपोर्ट भ्रामक होगा, हम विपक्ष में है तो मेरी ड्यूटी है कि हमारे सामने विभिन्न जाति वर्ग के लोग आके अगर अपनी बात को कहेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास शिकायत जाता है तो उन चीजों को मिला के विपक्ष के नाते तो आवाज उठाएंगे कि कहां गड़बड़ी हुई है। ठीक है ना, ये हमारा फर्ज है, हम कर रहे हैं इन कामों को जी, बखूबी हम करते भी रहेंगे जी। भारती जी, जी भारती जी, अब जिस तरह से अभी एक रिपोर्ट आने के बाद ये बार बार ये भी बयान आ रहा है, ये भी तमाम बातें हो रही कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, आपके पार्टी और आपके गठबंधन में भी कई नेताओं ने इस बात को बोलना शुरू कर दिया है, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में सरकार अब इस पे कोई ठोस कदम उठाएगी? अगर ओबीसी की सबसे अधिक आबादी है, क्या आरक्षण का दायरा भी बढ़ेगा, इस तरह के भी फैसले होंगे? देखा जाए दीपक जी, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह सर ने भी कहा है कि अगर जिनकी भी आबादी ज्यादा दिखी है और आवश्यकता पड़ी तो उसका दायरा भी बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात तो मैं बार बार कहूंगी कि ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया निर्णय नहीं है, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत समाज में और जो गांधी का दर्शन था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो मुख्य धारा का की सुविधाएं हैं, जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पहुंचे, और ये किसी भी सभ्य समाज का और किसी भी जो एक हमारा कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट है, तो ये अति आवश्यक है कि हर व्यक्ति तक मैक्सिमम कोशिश की जाए कि उसके पहुंच में वो सुविधा हो, वो बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो उनकी। तो ये ऐसा नहीं है कि, और जो आपने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी और भागीदारी, वो चीजें अपनी चल रहा है, मगर अभी का जो डाटा आया है, जो आंकड़ा है, वो मैंने पहले ही स्वीकार किया कि राज्य सरकारों को और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ब्राह्मण से लेके महादलित और वैश्य से लेके तमाम समुदाय के पिछड़ों के लिए 50% रिजर्वेशन किया, हम महिलाओं के लिए रिजर्वेशन जितना बिहार में अभी पुलिस बल में है, शिक्षिकाओं को दिया गया, तो ये संपूर्ण भारत के सामने एक नजीर है। तो निश्चित तौर पर आप ये नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार जी किसी एक वर्ग के लिए काम करते हैं, लगातार बिहार में चीजें बेहतर हो रही हैं, चाहे वो मानवीय सूचकांक के बिंदु पे हो, विकास के बिंदु पे हो, रोड सड़क स्वास्थ्य तमाम चीजों के बिंदु पे हो, लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है और नित नए विशाल डर रहा है संपूर्ण भारत के सामने, संपूर्ण विश्व के सामने। बेटियों को इतनी बड़ी भागीदारी किसी ने नहीं दी थी जितनी बड़ी भागीदारी बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने देके एक मिसाल पेश की है। तो विरोध आप कर लीजिए दीपक भाई जितना, मगर किसी ने अगर कुछ किया है तो धन्यवाद भी कहा जाना चाहिए। उन्होंने पंचायत में रिजर्वेशन देकर अति पिछड़ा की बेटियों को आगे लाया, 50% रिजर्वेशन देकर महिलाओं को आगे लाया, महिला शिक्षिकाएं, सिपाही बहाली, तमाम चेहरा बदल चुका है बिहार का। पवन जी, जिस तरह से अभी भारती जी कह रही है कि जो कुछ भी अभी सरकार की तरफ से किया गया है, ऑब्वियस है कि आपने भी कहा कि इसमें हमारा इनिशिएटिव भी था, तो अभी जितना आया जो कुछ भी अभी सरकार ने किया है, आने वाले दिनों में अगर इन तमाम चीजों को कास्ट बेस्ड अगर कुछ बड़े फैसले लेंगे तो आप सपोर्ट देंगे, आपका समर्थन रहेगा? जब तक जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट है इसके त्रुटि का निराकरण नहीं होगा, तब तक मैं समझता हूं कि कोई भी चीज को धरातल पर उतारना कहीं से ठीक नहीं है। पहले तो जो त्रुटि है उसको सुधार कर ले, बाकी का तो हम स्वागत कर रहे हैं।
जिन जातियों की संख्या घटी है उस त्रुटि का निराकरण करे। बाकी तो स्वागत ही होगा, निर्णय लेने में हम है, मेरा ही हम ही लोग का लिया हुआ निर्णय है, तो स्वागत कौन करेगा। अरुण जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहते हैं, क्या इस रिपोर्ट को जो माना जाए कि ये मंडल कमीशन पार्ट टू है, क्योंकि जिस तरह से मंडल कमीशन जब लागू हुआ था पूरे देश की सियासत बदली थी, इस रिपोर्ट के आने के बाद आने वाले दिनों में बिहार की पूरी सियासत बदलेगी, क्योंकि दो बड़े चुनाव होने हैं लोकसभा और विधानसभा के। यही दो बात है, पहले तो इस रिपोर्ट का थोड़ा सा बेसिक, पवन जायसवाल जी जो बात कह रहे हैं ये रिपोर्ट में भी यदि खामी है, त्रुटि और कमी है, तो इसके आधार पर जो रीडिंग आई वो कितना सही होगा, तो ये बात इसमें कोई संदेह नहीं। संपूर्ण बिहार में, मैं आज ही पटना में भी असेंबली में था और वहां 13 लोग बैठे थे, उसमें एक ने तो कहा कि मैं जहां रहता हूं 30 परिवार है, मैंने एक जहां रहते हैं 30 अपार्टमेंट, मतलब 30 वहां हाउस होल्ड है, और वहां कोई प्रगणक कोई वहां आया ही नहीं था। इस तरह से वहां 3-4 लोगों ने कहा कि मेरे घर में तो कोई आया ही नहीं, तो इस तरह की शिकायत आम शिकायत की सुनने को मिल रही है जी। कि बहुत सारे घरों में तो लोग गए गए ही नहीं प्रगणक, तो जब उनकी गिनती नहीं हुई, उनका हाउसहोल्ड ही जब गिनती में नहीं आया, जो शिकायत मिल रही है मैं आपसे कह रहा हूं, तो फिर इस संपूर्णता में उनके आधार पर तैयार किया गया शैक्षणिक और आर्थिक की जो रिपोर्ट आएगी वो कितना सही होगा। पवन जायसवाल जी, एक तरफ जहां आप विरोधाभासी बात हो रही है, आप फिर किस आगे की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जब बेसिक जिसकी आबादी की ही गिनती सही नहीं है और उसी में आपको लग रहा है कि बड़ी आबादी छोड़ दी गई है, घटा दी गई है, या जो कुछ आपके सामने तो बेसिक ही गलत है। अब इसके आधार पर जो शैक्षणिक आर्थिक तस्वीर आएगी वो आपके लिए कितना भरोसेमंद होगा, उसकी क्या संख्या। अभी जो दीपक जी आपने जो सवाल किया उसका देना उत्तर देना बाकी रह गया। देखिए अभी जो कल रिपोर्ट आई उसमें 2,83 लाख हाउस होल्ड माने परिवारों की गिनती की गई है, जिसमें बताया गया है कि बिहार में 13,70,00,000 की आबादी है। अब ये हाउस होल्ड जो अभी कई सारी योजनाएं चल रही हैं, तो इसकी गिनती हो कि भाई हाउस होल्ड है कितना। यदि ये आम शिकायत अभी सुनने को मिल रही है कि जो ये रिपोर्ट आई है ये सही नहीं है, इसमें आबादी जो अपेक्षित जो लोग महसूस करते हैं कि उनकी आबादी अधिक है, घटा दी गई है, छोड़ दी गई है, इसमें एक रिपोर्ट आई कि करीब करीब 54 लाख परिवार जो है वो बिहार से बाहर हैं, वो अस्थाई प्रवासी जिंदगी जिता रहे हैं। एक यही रिपोर्ट, कई चीजें आई हैं, आप इसकी यदि समीक्षा करेंगे सकारात्मक तरीके से, लेकिन एक रिपोर्ट आ गई और अब तो सरकार के सामने फिर मैं आपसे बात करता हूं कि इतने बजट पर एक कोई सरकार रिपोर्ट तैयार कराई है तो लेट हिम एक्सरसाइज, जो उससे आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए तो आप दबाव बना करके जो उनको इससे हक हिस्सेदारी और भागीदारी मिलनी चाहिए इसकी लड़ाई लड़े विपक्ष। और रही बात हिस्सेदारी भागीदारी की बात है, वो तो अब सभी दलों का लड़ाई दायित्व हो गया है कि 36% जो लोग हैं वो 36% में जो 112 जातियां हैं उनका हक हिस्सेदारी और फिर भागीदारी कैसे मिली। रही बात आपने केंद्र से, अरुण जी पवन जी से इसका रिएक्शन ले लेते हैं। पवन जी, जिस तरह से अभी अरुण जी कह रहे थे कि जिस जातीय जनगणना की रिपोर्ट पे आपको इतनी त्रुटि नजर आ रही है, तो फिर आप किस चीज के लिए आप आर्थिक और शैक्षणिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम इंतजार नहीं कर रहे हैं। पहले तो कहे कि अरुण भाई साहब ने अच्छा बात कहा कि जो त्रुटि है हम कह रहे हैं कि पहले उसका निराकरण हो, तब आप आर्थिक और शैक्षणिक की बात आप कीजिए। जब त्रुटि है आम, हम बोले ना कि फेसबुक पोस्ट पर 100 लोगों ने हमको लिखा कि हमारे घर तक तो कोई पहुंचा ही नहीं पहुंचा, हमारे पोस्ट पे 100 लोग लिखता है, इस देश में करोड़ों लोग हैं राज्य में जो मोबाइल चलाते हैं, इसलिए निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसा त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट इतना हड़बड़ी में जारी करने की कोई जरूरत नहीं थी, पहले होना चाहिए। और लालू जी नीतीश जी का जो मिलन हुआ, हम लोग को तो ये लगता है कि डाटा कुछ था, इन लोगों ने डाटा कुछ भी अपने मन से बैठा दिया, तो फिर मुंह कैसे मिल गया, इतने घर तक लोग पहुंचा ही नहीं, तो जनगणना का मुंह इन लोगों ने कैसे मिला दिया, घर में बैठ के इन लोगों ने मुंह मिला दिया है और बिहार की जनता को इन्होंने धोखा दिया है जातीय जनगणना के नाम पर।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, भारती जी आपका धन्यवाद, पवन जी आपका धन्यवाद, अरुण जी आपका धन्यवाद। अभी जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी हुई है तो जाहिर सी बात है कि अभी इस पे आने वाले दिनों में बहुत से सियासतें अभी चलेंगी, राजनीति चलेंगी, बयानबाजी होंगे। अब उसका इंतजार है कि आगे सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद।